प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ अनुज जैन। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह ने किया खुलासा, कहा मेडिकल बिल पास कराने मंत्रालय में मांगी थी रिश्वत। साठ के हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीएम हाउस में हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर तीन कई सौगात। मध्यप्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों पर इसी महीने होंगे चुनाव, प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। पोस्टमार्टम के दौरान जी उठा मुद्दा, डॉक्टरों ने शुरू किया इलाज। पुलिस ने दबिश देकर सेक्स रैकेट का किया खुलासा, मुंबई की कॉल गर्ल को किया गिरफ्तार। आइए खबरें देखते हैं जरा विस्तार से। केंद्र और प्रदेश सरकार में मंत्री रहे सरताज सिंह ने सरकार विरोधी खुलासा किया है। उन्होंने होशंगाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बल्लभ भवन मंत्रालय में कमीशन खोरी चल रही है, वहां पर बाबू से लेकर अफसर तक कमीशन खोरी में व्यस्त हैं और ये घटना उनके साथ खुद हुई है जब उनसे उनका मेडिकल बिल पास कराने के लिए कमीशन मांगा गया था। एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार सरताज सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान शिवराज सरकार में भी वे मंत्री थे। पिछले साल उम्र का हवाला देकर उनसे त्यागपत्र देने को कहा गया था। सरताज सिंह तभी से बीजेपी आलाकमान से खफा चल रहे हैं। सरताज सिंह ने इससे पहले भी प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। रविवार को उन्होंने होशंगाबाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए एक बार फिर सरकार को चेताया। सरताज सिंह ने कहा कि 4 दिन पहले वे भोपाल के नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनके मेडिकल बिल की फाइल पास कराने मंत्रालय में कमीशन मांगा गया, अस्पताल से 1.5 लाख रुपए का बिल बनाकर बल्लभ में भेजा तो बाबू ने मेरे पीए से कमीशन की मांग कर डाली, बाद में जब मैंने जांच लगाई तब जाकर फाइल जमा की गई। मंत्रालय में यह हाल है कि कमीशन का खेल बाबू से लेकर अफसरों तक खेला जा रहा है। जनता को हम खुशहाल नहीं कर सके, हम नौजवान को रोजगार नहीं दे सके, तो ऐसी सरकार में बने रहने का भी कोई औचित्य नहीं है। और ज्यादा गहराई में चले जाए तो इस देश में कभी तो किसी बात की नहीं। हम तो अमेरिका यूरोप को पहचान सकते हैं, इतना हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, लेकिन हमारे पास नेतृत्व की कमी है, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। मैं केवल आपको हमारे पार्टी सेंटर की बात नहीं कर रहा, ऐसा सिस्टम शायद कभी ना बिगड़ा हो। मैं अभी बीमार पड़ गया, आईसीयू में रहा, बाहर आया तो मेरा साहब कहने लगा, साहब अपने को अधिकार है विधायक के नाते कि हमारा जो बिल बना हम इसको रिइंबर्स करवा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई भर ले, उसने भर लिया, दस्तखत कर दिए, वो चला गया। फिर मेरा फोन आया उसका, कहता कोई लेने को तैयार नहीं भाई, कमीशन की बात कर रहे हैं। तो अब मेरे केस में, मेरे व्यक्तिगत केस में भी बिना कमीशन के हम फाइल नहीं लेंगे तो आम जनता का क्या होगा? अभी हमारे प्रशासन की हालत है और जनता सबसे ज़्यादा पीड़ित है इस प्रशासन से, चाहे वो बिजली वाला हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, इस प्रशासन से बेहद बनता है। और लोगों का इस तरह से शोषण हो रहा है और हमारे इतने मजबूर हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। वही बात करते हैं सीएम शिवराज के बर्थडे की। जी हाँ, सीएम शिवराज मंगलवार को 60 साल के हो गए हैं और 60वां अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दौरान सीएम हाउस में सुबह से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के चाहने वालों का तांता लगा हुआ था और हर कोई सीएम शिवराज को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा था। भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आए, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ नजर आए। आने वाले लोग उन्हें बुके और मिठाइयां खिलाकर खुशियां मना रहे थे, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कई योजनाएं दी। इस दौरान सीएम हाउस में नाच गाने का प्रोग्राम चलता रहा।
वहीं आरोपियों के बैकग्राउंड भी खंगाले जा रहे हैं। बात करते हैं उज्जैन की, जहां मायके वालों ने अपनी लड़की की मौत का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। जी हां, उज्जैन के सुसनेर गांव में 23 साल की युवती की मौत के मामले में मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जान से मारने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कर मायके वालों को शव सौंप दिया है। वहीं थाना प्रभारी ओपी मोहटा ने बताया कि ग्राम मीना निवासी संतोष पति गोपाल सिंह का विवाह ग्राम मालनवासा में हुआ था। संतोष के भाई नारायण सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और पति गोपाल सिंह सहित उसके माता पिता और बहनों से विवाद के चलते मेरी बहन की हत्या हुई है, इस तरह रिपोर्ट में सारी बातें मेंशन कराई। वहीं बात करें कटनी की, तो कटनी में दहेज प्रताड़ना से परेशान महिला ने सुसाइड कर लिया। कटनी में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया, जहां फुलवारा थाना अंतर्गत सोमवार को एक महिला ने ससुराल वालों की दहेज की मांग से तंग आकर खुद पर केरोसिन डाल कर आग लगा ली। बुरी तरह से झुलस चुकी महिला को जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पुलिस के अनुसार 20 साल की अंजलि पति दिनेश साहू हटाई गांव के रहने वाले हैं। वहीं सोमवार की सुबह करीब 5 बजे उसने केरोसिन डालकर आग लगा ली। महिला 1 लाख रुपए घर वालों से मांगने के लिए जेठ और पति द्वारा प्रताड़ित की जा रही थी। पुलिस ने महिला के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं 307 के तहत मामला दर्ज कर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया है। हाँ, बताइए। दहेज के पीछे लड़ते हैं पति सास जेठ और आग लगा दी है। हेलो, कितने टाइम की बात है? 5 बजे। हाँ सर। क्यों लड़ाई करते थे? दहेज के पीछे क्या मांगते थे दहेज में? पहले गाड़ी मांग रहे थे, अब गाड़ी खरीद ली है तब 1 लाख रुपए पैसा मांगते। आग किसने लगाई? सास। सब पूरे लोग घर में थे। मिट्टी तेल किसने डाला? सास। क्या नाम है आपका? अंजनी साहब। कब शादी हुई थी आपकी? 2014। वही बात करते हैं रीवा की, जहां रीवा में फायरिंग रेंज में मिले बम से धमाके होने से 3 बच्चे झुलस गए। घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। घटना सेवरिया थाने के बहरा फायरिंग रेंज की है। सेवरा थाना अंतर्गत बरहा गांव के 3 बच्चे पहाड़ में स्थित फायरिंग रेंज में घूमने गए थे, जहां उनको एक बम पड़ा मिला हुआ। बम लेकर बच्चे घर आ गए, जिसके साथ वे खेलने लगे। इस दौरान खेल में बच्चे ने बम में माचिस लगा दी। तेज धमाके के साथ बम फट गया। वहां बैठे 3 बच्चे इस हादसे में बुरी तरह झुलस गए। घायलों में विनय सिंह जिसकी उम्र 10 साल है, विनीत 8 साल और वही एक विनीत नाम का लड़का जिसकी उम्र 9 साल है घायल होना बताया जा रहा है। वहीं घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घायल बच्चों को परिजन उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर आया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं फायरिंग रेंज में कुछ दिन पहले ही 9वीं बटालियन के पुलिस कर्मियों ने फायरिंग का अभ्यास किया था। आशंका जताई जा रही है कि उसी दौरान बम वहां छूट गया और बच्चों के हाथ लग गया। गांव की पहाड़ी हाल ही में पुलिस विभाग द्वारा फायरिंग रेंज का निर्माण कराया जा रहा है। पिताजी का क्या नाम है? कैसे चल गए आप? हमारे गांव में एक फायरिंग सेंटर है, वहाँ पे घूमने गए। थोड़ा तेज से बोलिए बेटा। वहाँ पे हाथ गोला पड़ा था, हमने उसे उठा कर ले आए और मम्मी बोली कि फायरिंग सेंटर से लाए तो कुछ बारूद होगा, तो हमने फेंक दी। निकले तो उसे उठा कर ले, बारूद निकाले और बोले कि छुरी ऐसे जलेगा और किस मंगाए, तो हम लोग ऐसे बारूद के ऊपर प्लम्ब करे थे और माचिस मारे, सोचे थे छुरी जैसी जलेगा, लेकिन वो ब्लास्ट हो गया। कितने लोग आपके साथ जले हैं? 2 लोग और मेरे भैया। आप और आपके भैया कहाँ, किस गांव? 3 लोग जले हैं। हाँ। किस गांव के रहने वाले हो आप? सिमरिया के पास एक बड़ा है वहाँ। सिमरिया कौन है? सतना सिमरिया? मेरा से मरिया भाइयों का क्या नाम है? भाइयों का क्या नाम है? भाइयों का सबसे बड़े वाले का विनेश भैया जो जले हैं। हाँ, उनके पेपर था तो छुट्टी हो गई है। हाँ। और उनसे छोटे वाले का निखिल तो तुम्हारे सगे भाई हैं? नहीं सगे नहीं। हाँ। मेरे बड़े दौवा के। बड़े दौवा के लड़के हैं। बड़े दौवा के नाम क्या है? श्री राजेश सिंह परिवार। श्री राजेश सिंह परिवार। वही बात करते हैं सागर की, जहाँ प्रदेश मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं।
सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से काम प्रभावित हो गया है। इसी के चलते कर्मचारी ज्यादा काम लेने और समय पर वेतन न मिलने से परेशान होकर धरने पर हैं और उनका आरोप है कि सुपरवाइजर उनका शोषण करता है। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से चारों तरफ मेडिकल कॉलेज के कंघी के घेर लगे हुए हैं और मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी नहीं होती तो पूरे सागर में भी इसका विरोध होगा, ये बिल्कुल निश्चित। इसके लिए वाल्मीकि महापंचायत नगर सागर को तत्पर सक्षम तैयार खड़ी है। वहीं उज्जैन में होली के उत्सव के दौरान कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उज्जैन में होली के उपलक्ष्य में होली मिलन समारोह का भी आयोजन हुआ। आयोजन होली उत्सव समिति साझापुर द्वारा किया गया था। मंगलवार को चंद्रशेखर आजाद होली उत्सव समिति साझापुर द्वारा आजाद चौक में होली उत्सव के दौरान कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। इसी दौरान करीब हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बहुत कम शब्दों में अपना कवि सम्मेलन की शुरुआत करें, संचालन भी कम से कम करें, कवियों को ज्यादा मौका दें। मैं ये इस बात का पालन करूंगा बिल्कुल से। मैं चार महीने देना चाहता हूँ कि माँ भगवती का आज शब्द सहज गुणगान कीजिए। माँ सब व्यवस्थाएं अपने आप चल जाएंगी, आप अपने स्थान पर बैठ रहे हैं। हमारे पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है, वो बातों से समझा देंगे और बातों से नहीं समझाते तो उसके बाद दूसरी। वहीं मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं की परीक्षाएं 5 तारीख से शुरू हो गई। दसवीं का आज पहला संस्कृत का पेपर था। वहीं कई जगह से खबर आ रही है कि आवश्यक व्यवस्थाओं के बीच बच्चों को परीक्षाएं देनी पड़ी। वहीं बीना में सोमवार के दिन शुरू हुई परीक्षाओं में बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जिसमें मॉडल स्कूल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी टाट पट्टी पर बैठे नजर आए, क्योंकि यहां पहले से शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में होने के बाद भी फर्नीचर उपलब्ध नहीं कराया गया। बात करते हैं सीहोर की, जहां एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा देने करीब 232 स्टूडेंट परीक्षा से नदारद रहे। जी हां, सीहोर में एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए 7 केंद्र खोले गए थे। ये एग्जाम बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर लिया गया था। इसमें 232 बच्चे एबसेंट रहे। वहीं गलत गतिविधियों को रोकने शिक्षा विभाग का परीक्षा शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक चौकसी बनी रही। सीहोर आस्कर इछावर के मॉडल स्कूल में 300 और एक्सीलेंस में 240 बच्चों का प्रवेश होना है। एक्सीलेंस में बुजनी नसरुल्लागंज के बच्चों का प्रवेश होना है। मॉडल और एक्सीलेंस स्कूल की चयन परीक्षा के लिए जिले में 7 केंद्र बनाए गए थे, जिसकी तैयारी एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने कर दी थी। वहीं समय पर मुताबिक परीक्षा हुई, 100-200 से अधिक बच्चे शामिल नहीं हुए। इसके चलते 1540 बच्चों ने ही सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दिया। हमारा सरकारी स्कूल है लेकिन हम प्राइवेट बिल्डिंग में चला रहे हैं। किराया हम लोग स्वयं देते हैं। हम 4 टीचर्स हैं, चारों लोग अपने सेल्फ पे करते हैं। 400 रुपये पर मंथ है और इसका हमको भुगतान अपने आप में करना पड़ता है। हम कोई सरकारी। अब क्या स्थिति है खाली करने को लेकर? खाली करने को लेकर ये है कि हमसे मकान मालिक बोल रहे हैं 1 अप्रैल के नए सत्र से आपको खाली करना पड़ेगा और नहीं तो इसका 1000 रुपये पर मंथ करेंगे। अगर खाली करते हैं तो कहाँ जाएंगे आप? हम तो सर जो विभाग से हमने दिया है लेटर विभाग को, वो हमें जगह नहीं बता रहे। अब नहीं बता रहे तो हम लोग रोड पे लगाएंगे या मंदिर में लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे। अरे मैडम, मैडम मेरे से जैसे यहाँ देखा जा रहा है, आज 10वीं का पहला पेपर है बच्चों का, जिसमें अधिक स्कूलों के जगह 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 से जो बच्चे आए हैं, पर कुछ स्कूल के ऐसे बच्चे हैं जो सीरीज से बैठे हुए लगातार, तो ऐसा क्यों है मैडम, क्या कारण? ये ऊपर से ही रोल नंबर की सीरीज आई है, हम लोग ऊपर से जो नियम आए उसी का पालन कर रहे हैं। अपनी तरफ से रोल नंबर हम लोगों ने नहीं लगाए, बनाए नहीं है। और मैडम वैसे भी यहाँ देखा गया है कि बच्चों को ज्यादातर कमरों में लाइट की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कर दी। टेबल कुर्सियाँ भी सही तरीके साफ नहीं, धूल लग रही है। नहीं, तो प्रशासन ने धुलवाए हैं हमने तो नहीं, जैसा हमने अभी देखा है हमने धुलवाए। अभी कल भी परीक्षा हुई है इसी स्कूल में। अब जो टेबल कुर्सी इस स्कूल में उपलब्ध है, अब इसमें सभी सारी परीक्षाएं होती रहती हैं। मैडम कई रूमों में लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था हमने करवाई है सब जगह, और एक जगह और वो जो 19 नंबर रूम था उसमें कराई, उसकी लाइट डिस्टर्ब हो गई, तो हमने परीक्षा समय से पहले उसकी व्यवस्था दूसरे रूम में कर दी। खबर बीना से, जहां भावांतर योजना के तहत पंजीयन शुरू हो गए हैं।
बिना में कृषि उपज मंडी में भावांतर योजना के पंजीयन शुरू हो गए, लेकिन पंजीयन में लग रही देरी के कारण किसानों का आक्रोश बढ़ गया, क्योंकि किसान सुबह से ही पंजीयन कराने लाइन में लगे हुए थे। घंटों खड़े रहने के बाद भी उनका नंबर नहीं आया। वहीं रबी सीजन की फसल में भावांतर का लाभ लेने के लिए किसानों को कई दिनों से परेशान होना पड़ रहा है। बात करते हैं होशंगाबाद की, जहां होशंगाबाद में लगातार संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो वहीं सोमवार को सीएम शिवराज के जन्मदिन के मौके पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पीपल चौक पर केक काटा, केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया। वहीं जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उनकी मांगे पूरी करने की बात कही। इस दौरान काफी संख्या में संविदा स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हमको परमानेंट करो। खबर कटनी से, जहां अचानक मौसम बदल गया और दिन भर आसमान पर काले बादल छाए रहे। जी हां, होली के साथ ही मौसम ने रुख बदला और अचानक बदले इस मौसम से आसमान पर काले बादल छाए रहे। शहर के ऊपर घुमड़कर इन बादलों के बीच हल्की फुल्की बूंदाबांदी की भी खबरें आई। आम लोगों को तो मौसम का मिजाज पसंद आया, लेकिन किसानों के माथे पर ये चिंता की लकीरें खींच गया। जी हां, बादलों के बरसने पर फसल को होने वाले नुकसान को लेकर किसान परेशान थे। जिले में अधिकांश जगह फसल पक चुकी है, कुछ जगहों पर कटाई का काम भी चालू है, लेकिन ऐसे में अगर बारिश होती है तो फसल को नुकसान होने का अंदेशा है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां गौवंश तस्करी कर रहे ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जी हां, छतरपुर के अमरवाड़ा पुलिस ने गौवंश तस्करी करने वाले ट्रक को जब्त कर लिया। साथ ही ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया, वहीं ट्रक कंडक्टर को पुलिस ने दबोच लिया। जानकारी के अनुसार एक ट्रक जो कि नरसिंहपुर की ओर से आ रहा था, चुंगा बानी टोल नाके पर जैसे ही ट्रक को रोका गया, ट्रक चालक ने टोल नाके के बैरियर को तोड़कर भाग गया, जिसकी सूचना टोल नाका के कर्मचारियों ने अमरवाड़ा नगर अधीक्षक अनिल सिंघई को दी। नगर अधीक्षक स्टाफ और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ ट्रक का पीछा किया। पुलिस ने पीछा करते हुए ट्रक को राजाखो के पास पकड़ने में कामयाब हो गई। ट्रक नंबर CG04966 के अंदर पूर्वक 39 गौवंश को भरा गया था, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद से ट्रक से निकाला गया, जिनमें 9 मवेशियों ने दम तोड़ दिया। कुछ मवेशियों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी शेष फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घायल मवेशियों का उपचार, गौशाला भेजने तथा चारा पानी की व्यवस्था, पशु क्रूरता अधिनियम गौवंश मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर कटनी से, जहां 5 ठेला व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। जी हां, कटनी में रेलवे स्टेशन रोड पर पिछले कई सालों से ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले 5 ठेला संचालकों ने कलेक्टर के सामने धरने पर बैठ गए। 5 ठेला वालों का आरोप है कि रेलवे स्टेशन के पास ठेले हटवाने से भेदभाव किया जा रहा है। पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई से वह आहत है, इससे उसके जीवन यापन का खतरा उत्पन्न हो चुका है। वहीं कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे इन व्यापारियों की मांग कलेक्टर ने सुनी। पान की कहा, ये ईश्वर कम्प्लेक्स के सामने। हाँ, तो ये 25 दिसंबर 2013 से हमारी दुकान बंद करा दी गई। किसने बंद करा दिया? कुछ पुलिस वाले गए थे गाड़ी में। हाँ, उनने बंद करा दिया।
जब से हमने बहुत प्रयास किए, बार बार हमारी ही दुकान बंद कराई जाती रही। नगर निगम के अधिकारी जाएं तो हमारी ही बंद कराई जाती थी। हाँ हाँ। उसके बाद हम लोग ने आरती प्रसाद का रास्ता पकड़े। आरती प्रसाद करके जीवन यापन कर रहे थे। वो चार पाँच दिन पहले आरती अपने वो भी थाली छीन ली, वो भी बंद करा दी। अब हमारे पास जीवन यापन करने का कोई रास्ता नहीं। ये तो हमारी दुकान दिला दी जाए तो हम अपना जिए। क्या तुम्हारे जैसे और भी दुकानदार हैं, उनकी नहीं हटाई गई? नहीं हटाई गई, केवल आपकी हटाई? केवल हमारी हटाई। नाम क्या लिखे दादा? नाम प्रताप सिंह। निवासी कहाँ के हो? निवासी मदन मोहन चौहान बनवा टोला पट्टी। कब से लगा रहे थे पान ठेला? पान ठेला हम लगा रहे थे करीब करीब 20-25 साल से लगा रहे थे। ये सब आपके बच्चे हैं? जी, ये हमारे बच्चे। क्या नाम है इनका? एक का सोनू नाम है बड़े लड़के का, छोटी लड़की का प्रिया। ये क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करते? ये सर 2008 या 9 से छोड़ दिए, कुछ ऐसी स्थितियां आ गई थी। हाँ। तब से मतलब पैसे नहीं थे पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए पैसे थे, स्कूल ही का प्रकरण था तो बच्चे लोग तंग करते रहे, बच्चों तंग करते रहे तो रोते आते रहते हो गया आपका। तो आज आप अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हो? जी, अब हमारे पास कुछ खाने पीने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब हम वही नरसिंहपुर में प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का सोमवार को सातवां दिन था। वे नगर पालिका के पास धरने पर बैठे। ये सभी कर्मचारी प्रदेश सरकार की सेवा में स्वयं को नियमित किए जाने सहित वेतन मान संबंधी कई मांगों को लेकर धरने पर है। इनके धरने पर होने से प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह डप है। बात करते हैं सीहोर की, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा को लेकर सीहोर में 105 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा कक्षों में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। कुछ एक कक्ष ऐसे भी थे जहां स्कूल के विद्यार्थी परीक्षा देते नजर आए। इसका विरोध अन्य निजी विद्यालयों के शिक्षकों ने किया। संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों पर निरीक्षण दल ने भी विशेष नजर जमाए रखी। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 105 केंद्रों पर सुबह 9 बजे से आयोजित हो गई, जिसमें करीब 29,022 विद्यार्थियों में शासकीय स्कूल के 13,606, निजी स्कूलों के 13,891 विद्यार्थियों ने परीक्षाएं फॉर्म भरे, जिनमें 1 दर्जन परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से टीचर्स की चौकसी केंद्रों पर देखी गई। वहीं बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर देहात थाने क्षेत्र के गांव कमली में गणेश मंदिर से गणेश मूर्ति चोरी हो गई, जिसकी शिकायत गांव वालों ने देहात थाने में दर्ज कराई और 3 संदेहियों के नाम पुलिस को लिखवाए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। बताया जाता है कि मंदिर काफी पुराना है और मूर्तियां काफी कीमती हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट के लिए विजिट कीजिए पत्रिका मध्य प्रदेश। नमस्कार।